नमस्ते इंडिया, नेपाल के पोखरा के फीवा लेक से आप लोगों का स्वागत है। देखिए सामने में फीवा लेक बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। पोखरा नेपाल का फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इस प्लेस में घूमने के लिए देश विदेश के लोग बहुत आते हैं और हमारे देश भारत से भी लोग बहुत घूमने के लिए आते हैं अपने परिवारों के साथ, अपने संगे संबंधियों के साथ, क्योंकि पोखरा बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। देखिए सामने में फेवा लेक बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए लेक साइड व्यू का रेस्टोरेंट है, देखिए सामने में, और इधर भी एक रेस्टोरेंट है और आगे भी रेस्टोरेंट है। सारे के सारे ये रेस्टोरेंट लेक साइड के साइड में ही हैं और रात में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। लोग यहाँ पे भरे पड़े रहते हैं, आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अभी बस जस्ट 11 बजे हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है, इसीलिए ज़्यादा रश नहीं है, वरना शाम में यहाँ पे घूमने लायक होता है। देखिए अभी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सामने इधर फेवा लेक बहुत ही खूबसूरत है। फेवा लेक पोखरा का, हम अभी सहारनकोट के टॉप में जा रहे हैं, वहाँ से अन्नपूर्णा रेंज की पहाड़ियाँ को देखेंगे। और पहले यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती थी, लेकिन अभी पैराग्लाइडिंग यहाँ नहीं होती है और वो पैराग्लाइडिंग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर होती है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत रेस्टोरेंट सब देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, समय बिताने लायक है। लेक के किनारे यहाँ पर चेयर भी लगाई गई हैं और सामने में पेड़ से भी दिखाई दे रहे हैं, छाया में बैठा जा सकता है यहाँ पर। देखिए सामने में केबल कार जा रही है ऊपर सहारनकोट की ओर, और इस ओर से केबल कार से ऊपर जाने के लिए ये हमारा गेट नंबर 1 है। चलिए चलते हैं भाई जी, ये गेट है ना? चलिए ठीक है। क्या प्राइस है ऊपर जाने के लिए? 1% क्या? 800 रुपया। ओके थैंक यू, 800 रुपया आना जाना। देखिए बारिश भी हो रही है और यहाँ पे रेस्टोरेंट सब भी है, कैफे सब भी है। हाँ बारिश भी मज़ा आएगा जाने में। यहाँ से भी दिख रही है केबल कार जा रही है ऊपर। ये हमारा टिकट काउंटर है, यहाँ पेपर पर्सन 800 रुपया नेपाली में है, यानी इंडियन में 500 रुपया लेगी ऊपर ले जाने के लिए और ऊपर से नीचे लाने के लिए भी। और यहाँ से देखिए पोखरा लेक बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और सामने में आपको बौद्ध स्तूप भी दिखाई दे रही है, वो है बौद्ध स्तूप। और सामने में देख रहे हैं आप वो तिब्बत टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए बारिश भी हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। मेरी केबल कार आ रही है, मैं इसी में जाने वाला हूँ। मेरी केबल कार ऊपर जा रही है सहारनकोट की टॉप में, और वहाँ से हम लोग देखेंगे अन्नपूर्णा रेंज की पहाड़ियाँ। पोखरा का ये केबल कार, आप जब भी आते हैं तो इस केबल कार में चढ़ना ना भूले एकदम। सहारनकोट टॉप में आप आइए, यहाँ से अन्नपूर्णा रेंज की पहाड़ियाँ देखिए, हिमालय की चोटियाँ देखिए, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। जंगल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ी की चोटी में जा रहे हैं हम, नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, लाजवाब नज़ारा है। देखिए केबल कार से छोटी छोटी गांव दिखाई दे रहे हैं, गांव के छोटे छोटे घर हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए कुछ कुछ पेड़ पौधे की खेती किया हुआ है, देखिए घर भी ऊपर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए छोटी सी गाँव है और गाँव के छोटे छोटे घर, देखिए नज़ारा। उधर से केबल वापस भी आ रही है, ये सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होती है और शाम में 6 बजे तक चलती है, यानी आप 7:30 बजे ऊपर जा सकते हैं और पूरा दिन भर बिता के शाम में 6 बजे वापस आ सकते हैं। देखिए छोटी छोटी घर, ये छोटे छोटे घर, और देखिए कुछ खेती भी किया हुआ है, ये मड़ुआ का खेती है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत है। ये पहाड़िया का रोड भी देखिए, रोड भी है। देखिए इस ओर से नज़ारा देखिए, सारे के सारे आपको खेत दिखाई दे रहे हैं और बीच में आपको नदी दिखाई दे रही है, नदी का धार देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है नदी का। बहुत ही लंबी केबल कार है, लगभग मेरा बैठा हुआ लगभग 5 से 6 मिनट हो चुकी हैं, और नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देखते रह जाइएगा, जब भी आप ऊपर बैठिएगा ऊपर से नीचे निहारते रह जाइएगा। देखिए यहाँ से फेवा लेक
पूरी तरह से धुंध दिखाई दे रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा टॉप पे आ चुके हैं और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तारनकोट की ओर थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ते जा रही है, क्योंकि तारनकोट में थोड़ी सी ठंड लगती है। नज़ारा देखिए, धान के खेतों का और नदी का, बहुत ही खूबसूरत है। छोटे छोटे गांव हैं, घर है, जंगल है, मड़ुए के खेत हैं, धान के खेत हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस ओर। देखिए फिर वाले का एंडिंग यहाँ पे है, उसके बाद इधर धान का खेत है, गांव है, घर है, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए हम लोग पहुँच ही गए, देखिए सामने में इसका एंडिंग पॉइंट है, और इसके बाद हम लोग को लगता है यहाँ से पैदल भी जाना पड़ेगा सारनकोट टॉप तक, और वहाँ से अन्नपूर्णा रेंज की पहाड़ी देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बंजी जंपिंग होगी शायद, नहीं जिप लाइन है यहाँ पे। यहाँ से अभी ऊपर सीधे ये उस ओर जाएंगे, उस ओर रेडी याओ। देखिए ऊपर से यहाँ का नज़ारा देखिए, कैफ़े उफे भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ऊपर में देखिए छोटी सी कैफ़े है, और सिटिंग के लिए भी बहुत अच्छी चेयर्स लगाई गई है देखिए ऊपर में, और वुडन वर्क किया गया है देखिए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये वुडन वर्क। और इस ओर भी सिटिंग एरिया है, और यहाँ से नज़ारा देखिए खेतों का और फेवा लेक का, और किधर केबल कार आ रही है इधर। देखिए ऊपर में आपको रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, और ये साइड भी है, नीचे भी है। देखिए सामने में एक शिवा टेम्पल भी है, देखिए शिवा टेम्पल की कलाकृति, इसका राजघराना बहुत ही खूबसूरत है, नेपाल प्रदेश का। रेड कलर का वॉल है और छत ब्लैक कलर का, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ नेपाली लोग भी आए घूमने के लिए, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। बाहर में पूरी तरह से बादल आ चुकी है, देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी तरह से धुंध पड़ गई है ऊपर में। और अभी हम लोग शिव मंदिर के अंदर में हैं, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही खुशनुमा है और ठंडी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हमको बस अभी जैकेट चाहिए। और कितना देर रह पाते हैं ऊपर में इस ठंड में पता नहीं। अभी टॉप में तो हम लोग पहुँच ही गए हैं, यहाँ से जब बादल साफ़ हो जाएगी तो अन्नपूर्णा रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं वो देख लेंगे, उसके बाद नीचे हम लोग जाएंगे। वैसे मंदिर घूमने के लायक है यहाँ पे, आधा घंटा 15 मिनट आप समय दे सकते हैं इस मंदिर में। शिवा टेम्पल है ये। ओ बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दीपन है। कहाँ पे घर है? कहाँ घर है? मेरे हाँ नीचे। नीचे में है? हाँ। तो किसके साथ यहाँ पे आए हो घूमने के लिए? मम्मी। मम्मी के साथ? और नहीं। देखिए छोटा बच्चा हमारे साथ खेल रहा है, ये भी मंदिर घूमने के लिए आया है। और सारंग टॉप ऊपर में गया? ऊपर हाँ? गया घूम हाँ। के आ गया हाँ। फिर से ऊपर चलना है नहीं। क्यूट सा बच्चा है, नेपाली बच्चा है थापा जी। देखिए बारिश तो अभी जस्ट समाप्त हुई है, और सामने में आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रही है। देखिए टॉप से फेवा लेक का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और साथ में देखिए पोखरा सिटी बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। और देखिए रनवे एरोप्लेन का, और इस ओर देखिए सामने में धान के खेत दिखाई दे रहे हैं, और बीच में वो नदियाँ दिखाई दे रही हैं, और उस ओर शिवा टेम्पल दिखाई दे रहा है, और वो है पौधा स्तूप। और इस ओर देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत खूबसूरत लाजवाब नज़ारा है देखिए सामने में। और देखिए अन्नपूर्णा रेंज की पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं यहाँ से, इस सारी के सारे यहाँ से अन्नपूर्णा रेंज की पहाड़ियाँ हैं, मकालू की पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इस ओर भी देखिए, देखिए वास्तव में जन्नत है, ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, वाह।
अगर मौसम साफ रहने से सारी की सारी हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और सबसे बेस्ट सीजन है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में सारी की सारी हिमालय की श्रेणियाँ दिखाई देती हैं। अगर सितंबर के महीने में अगर मौसम साफ रहे तो आपको हिमालय की पहाड़ियाँ दिख सकती हैं, कम मात्रा में दिखती है, जैसे हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। और सूर्य की रोशनी पहाड़ों पे पड़ रही है तो इसकी खूबसूरती एकदम निखर के आ रही है। तो चलिए चलते आप स्ट्रीट रोड में घूम लेते हैं, यह स्ट्रीट रोड बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप मनी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो इन दुकानों से आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए पोखरा के स्ट्रीट बहुत लंबे स्ट्रीट है यहाँ पे, और स्ट्रीट बहुत ही खूबसूरत है, रेस्टोरेंट से भी बहुत सारे दुकानें हैं, पूरे बाजार भरे पड़े हैं और टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं यहाँ। देखिए लगभग 9:30 बज चुके हैं यहाँ पे अब रात के, और स्ट्रीट की दोनों ओर देखिए क्या नज़ारा है। देखिए सामने में जेठो बुड्ढो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी खा सकते हैं और सामने में इस रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं आप। देखिए सामने में बरगद का पेड़, ऐसे बरगद का पेड़ आगे भी देखने के लिए मिलेंगे और इस ओर भी बरगद के पेड़ देखने के लिए मिल जाते हैं। पोखरा में ज्वेलरी सबका शॉप भी बहुत है यहाँ पे, देखिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरीज हैं, आगे भी हैं। देखिए यहाँ पे किंग लॉन्च बार्स है और यहाँ पे केक लेक बेकरीज भी है और इस साइड बैग की दुकान है। और हर ओर देखिएगा ना आपको तो रेस्टोरेंट ही देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ भी ज्वेलरी की दुकान है देखिए सामने में, और यहाँ पे एक स्ट्रीट रोड 15 है, इस ओर भी होटल वोटल देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन थोड़ा सा चहल पहल कम है। चलिए आगे की ओर देखिए, पोखरा का नाइट लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, रात में जगमग करती हुई लाइटें। अगर आप पोखरा आते हैं तो नाइट लाइफ का मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए पोखरा में नाइट लाइफ का। और सामने में बीच बीच में बरगद का पीपल का पेड़ भी मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, ये चौराहा के रूप में है। अगर आप योगा के शौकीन हैं तो यहाँ मेडिटेशन किया जाता है। देखिए यहाँ पे यति योगा सेंटर है, यहाँ पे सारी व्यवस्था आपको पोखरा में मिल जाएंगे, खाने पीने से लेके योगा से लेके और क्या कहते हैं जिम से लेके बस मिल जाती है, कहीं भी जाने के लिए टैक्सी मिल जाती है, सारी व्यवस्था है पोखरा में रात के 10 बजे 11 बजे तक। एक रेस्टोरेंट है बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लाइटिंग व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और साइड में भी है एक रेस्टोरेंट। देखिए रात के 10 बज चुके हैं लेकिन स्ट्रीट में लोग अपने बच्चों के साथ अपने परिवारों के साथ अभी भी घूम रहे हैं, रात के 10 बजे भी बहुत ज़्यादा सेफ है, आप 11 बजे तक स्ट्रीट रोड में आप घूम सकते हैं और आराम से 11 बजे 11:30 बजे आप अपने रूम जा सकते हैं, अपना होटल अपना लॉज। इस बार मैं स्ट्रीट रोड के किनारे ही अपना होटल लिया हूँ और सामने में ये रोड जाती है सीधे फेवा लेक की ओर, सामने में तो चलिए चलते हैं अपना होटल रूम। अगर आप लोगों को यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को। चलिए बाय।